सत श्री अकाल जी, स्वागत है। अज साढ़े नाल फ्यूचर विंग तो निमन जी ने सवाल बहुत सारे बच्चों ने सानू भेजे कि इन्होंने कोई ऐड की सी कि तुसी घट पैसे खर्च के पी आर लै सकते हो, तुहाडे कोल नैटवर्थ नहीं तां वी तुसी 40 तो 50 लाख रुपया खर्च के, नॉट इनवैसट, खर्च के उत्ते पी आर लै सकते हो, किसी छोटे शेयर पा सकते हो, कोई तुसी हैगा बहुत सारे प्रोजैक्ट जिहड़े उत्ते चलते हैं उन्होंने अपना हिस्सा योगदान पा सकते हो, और की प्रोग्राम्स ने उन्होंने बारे गल करांगे। पी एन पी प्रोग्राम्स जिदे बारे असी गल करनी है, इस तो अलावा आर एन आई पी रीजनल नर्दर्न एंड इमीग्रेशन पायलट प्रोजैक्ट, आस्ट्रेलिया इन्हों का जो एजुकेशन विभाग है वो वालों इन्हों तो सानू भी एक इनफॉर्म किया कि असी बच्चों दसीए कि जो विद्यार्थी आस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, बहुत सारे टाई अप्स इन्हों के हुए हैं फीस वास्ते, फीस घट और बाद भी, तो स्पॉस केस की गल करांगे, नाल 21 पास आउट 5.5 बैंड वाले विद्यार्थी जिहड़े संपर्क कर सकते हैं। इस तो अलावा डेलीगेशन इन्हों का सितंबर के जा रहा है जी, फ्यूचर विंग का जी कनेडियन बेस्ड कंपनी, इन्हों का ऑफिस कैनेडा के दो ऑफिस ने, उत्थे एमएलए मैम रखल डेलीगेशन संभाल रहे हैं, डिटेल के गल करांगे, उत्थे फार्मर किवें जा सकते हैं, बिजनेसमैन किवें जा सकते हैं। सो शुरुआत करांगे, तुसीं सानू कॉल भी कर सकते हो इस प्रोग्राम के, खुशखबरी है कि पिछले 10-15 दिन के इस कंपनी के काफ़ी सारे वीजाज आए हैं जिहड़े कि यूएस नूं लैके अगले हफ्ते के बच्चे आउणगे, वो तुहाडे नाल सांझे करांगे बाइट्स। उस तो अलावा बहुत सारे बच्चों आस्ट्रेलिया कैनेडा के फ्रैश वीज़ाज आए, उन्हों का तजर्बा किमें रहा, कि समा लग्या, किस तरह की प्रोफाइल से, तुहानू तो की सीखने मिला, ये बारे भी अभी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। निमन जी स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सब तो पहले आप गल कर लिए जी इस वक्त डेलीगेशन की सैप्टेंबर, क्योंकि समा थोड़ा मेरे ख्याल अगस्त अद्धा सैप्टेंबर तक रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, कौन जा सकता है? देखो जी, आ जिहड़ी डेलीगेशन जा रही है दे विच बिजनेसमैन ते फार्मर दोने जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। जिहड़े फार्मर्स ने उन्होंने आयल्स मैंडेटरी नहीं हैगी, जे कोई स्पैसीफिक फार्मिंग कर रहा उस केस दे विच आयल्स रिक्वायर्ड होएगी, अदरवाइज विदाउट आयल्स तुसीं अप्लाई कर सकते हो। इहदे विच जिहड़े तुहाडी जे तुहाडी लैट से तुहाडी इनकम 3.3 लाख दे अराउंड भी बन रही है, उहदे लई भी तुसीं सानूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जिहड़े बिजनेसमैन ने अगे जाके इनवैसटमेंट करना चाहते ने, उहदे लई भी एक्सपलोरेटरी विजिट करके तुसीं वापस आके अपनी 70 लाख की इनवैसटमेंट करनी होंगी है 1.5 ईयर के, नहीं कहते कि जाते इनवैसटमेंट करो। ये 2-3 चीज़ा है जिद कैनेडा जाके सैटल हो सकते हो। प्लस एक होर बहुत वधिया ऑप्शन होएगा कि जे तुसी कहने हो थोड़ा जिहड़ा बजट है वो 40-50 लाख हैं, तुसी कोई इनवैसटमेंट नहीं कर सकते, या थोड़ी कोई नैटवर्थ नहीं, या इन्नी कोई वधिया एजुकेशन नहीं हैगी, सो तुसी 40-50 लाख स्पेंड करके, ना कि इनवैसट करके उत्थे अपनी पूरी फैमिली नाल। ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम्स ने जिहड़े तुसी शेयर खरीद सकते हो, क्योंकि अज तो पहला हुंदा सी कि तुसी 51% शेयर ही लेना है, फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ की कंपनी दे 1 करोड़ रुपया नैटवर्थ सॉरी अपना इनवैसटमेंट हो जाती सी, हुण छोटा समाल पीस खरीद के किसी बिजनेस का तुम अपने परिवार समेत पक्के हो सकते हो। ओनर ऑपरेटर की डिटेल किसी दिन फिर तुहाडे नाल असीं सांझे करन दी कोशिश करांगे। इहदे लई की करना पवेगा जिन्होंने जाना हैगा डेलीगेशन ने, उहदे लई की एनरोलमेंट हैगी है और किस तरह की रिक्वायरमेंट? देखो जी, थोड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट 12th रहेगी, जे तुसीं बिजनेस नाल किस नाल रिलेटेड हो तां 5.5 चाहिए होणगे, जे तुसीं एग्रीकल्चर नूं बिलोंग करदे हो कोई आलस नहीं चाहिए होगी। मेन रहेगा कि तुसीं एक बार आके सानूं मिलो, क्योंकि असीं इहदियां हाले लास्ट डेट्स डिसाइड नहीं करियां, पहलां असीं क्योंकि साडी इक टीम हुंदी है, जदों पूरी हो जाँदी है उस तों बाद असीं फर्दर एनरोल नहीं करते दे लई। सो इहदियां जिहड़ियां लास्ट डेट रहणगियां दैट विल बी August 1st week, जे उस तों तुसीं लेट हो जाने हो फिर तुसीं इहदा पार्ट नहीं हो सकोगे, क्योंकि प्रोसैसिंग लई भी टाइम चाहीदा हुंदा, सितंबर दे विच तां जा ही रही है। सो उहदे लई जे तुसीं एनरोल होना चाहुंदे हो तां तुहानूं एक बार जल्द तों जल्द सानूं आके मिलना होएगा, तुहानूं असीं प्रॉपर थोड़ी प्रोफाइल दे अकॉर्डिंग चैकलिस्ट देवांगे, वो डॉक्यूमेंट सानूं चाहीदे होणगे, एंड दैन तुहाडा असीं अगे प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। डेलीगेशन मैं भी इन्हां दी कंपनी नूं उत्थे ही कुदरतन मिलिया, पर मैं डेलीगेशन दा हिस्सा नहीं सी, उत्थे मिलिया तो मैं डेलीगेशन दे विच इन्हां दे गया वख-वख स्टेटां दे विच। खूबसूरती इह सी कि जदों इत्थों डेलीगेशन जांदा है तां इह उह लोकां नूं लैके जांदे ने, उन्हां इनवैस्टर्स नूं लैके जांदे ने, एंटरप्रेन्योर्स नूं लैके जांदे ने, जिहड़े कि खुद एलिजिबल ने कैनेडा दे विच पक्के होण और कारोबार करन दे। उहदियां शर्तां है मोटियां मोटियां, किसी स्टेट दे विच विदाउट आयल्स है, जिवें कि सस्कैचवन यंग फार्मर या फार्मरस दूजे ने जिहड़े 49 साल तक की उम्र वाले। उस तो अलावा बहुत सारे प्रोग्रामां दे विच आयल्स चाहीदी है 5 बैंड 5.5 बैंड प्लस 2 दे नाल 49 साल, किसी स्टेट दे विच नोवा स्कोशिया की गल कर लो 59 तक दा एक्सेप्ट हो जाता है। फिर इन्हां दे डेलीगेशन वल्लों मैं इस करके तुहानूं दस रहा कि तुहानूं पता होना चाहीदियां चीज़ां की है। डेलीगेशन जदों जांदा वख-वख बिजनेस दिखाए जाते हैं, बिजनेस दिखा के उत्थे मेयर्स नूं बुलाया जाता है, कनेडियन मेयर्स नूं बुलाया जाता, उत्थों दे सिटीज़ दे टूर कराया जाता है, जिहदियां फोटोग्राफ साडे कोल पईआं, मैं भी शमूलीयत की सी। सो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुंदा, लोकां नूं समझण दा मौका मिलदा है कनेडा नूं कि इत्थे की हैगा, किवें दे कारोबार ने, स्कूल की हैगा, कॉलेजेस की है, फीसां की ने, मार्केट की है, खर्चा किन्ना बचदा की है।
ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ? ਫਰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ PR ਲਈ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ PNP ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਹੁਣ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 777-8 ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 400 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਜਾਣ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ITI ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 5.5 ਸਕੋਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਟ ਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 600 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਮਿਲਦਾ, 250 ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕਲੱਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 400 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, 200 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੇ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 600 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ PR ਆ ਗਈ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 600 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ PR ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਕੈਚਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆਪਣੀ PR ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ 3-4 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਇਨ 4-6 ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ IRCC ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ CICC ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਕੀ ਨੋਰਮਲ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਾਂਗੂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜੈਨੂਅਨ ਲੋਇਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਆਫਿਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ GC ਕੀ, ਪਾਸਵਰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸਵਰਡ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ GC, ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਮਨਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ CICC ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ US ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਵੀ ਅਕਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ, ਇਹ US ਵੱਲੋਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸੈਸ
इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ये कहा जाता है. बट यू नेवर नो, अज तो 4-5 साल बाद की सिनेरियो होएगा, मे बी रूल्स टफ हो जाए, मे बी जो कंट्रीज अज ईजीली पी आर दे रही हैं कल ना दे. सो US एक इदा की कंट्री है जिद्द 5 साल का वीज़ा मिलता है, 1 साल का कोर्स लोंगे, 2 साल का कोर्स लोंगे, फीस ये आफ्टर वीज़ा होएगी, इंटरव्यू सिर्फ हार्डली 2 या 3 मिनट की होंगी है, थोड़ू जो भी क्वेश्चन उत्तर पॉसिबली पूछे जाएंगे थोड़ा सारे की प्रैपरेशन असी फेस टू फेस करावे. असी कोशिश करते हैं जो तुम सू आके मिलोंगे थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोंगे. सो टेलीफोनिकली असं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते कि इंटरव्यू प्रैपरेशन करो. बच्चे मिले साढ़े स्टूडियो चाहिए इस प्रदेश अपनी रिकॉर्डिंग करा के जी सा वीज़ा आया फ्यूचर विंग ने लवाया. मैं उन्होंने भी पूछ रहा था, वो कहते भी 3 तरह की इंटरव्यू टेलीफोन पर भी कराई जाती है, फिर दफ्तर भी बुलाया जाता, फिर जो बच्चा पहुँच जाता है उत्थे. एक दसिया मैंने बॉम्बे से मेरा बच्चा जरा, ये कहता जी मैं कलकत्ते है ना, तो उत्थे जाके भी तो स्टाफ जो टच इस तरह करना है पूर्ण तौर पर सारा दस. देखो पहले जो इंटरव्यू होंगी है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो इनिशियली फस्ट बच्चा जो इंटरव्यू लिए जाता है पीयर होंगे सूँ बहुत सारिया चीज़ों की कलैरिटी मिलती है, क्योंकि ओबियसली असं नहीं उत्थे जा रहे. ज़्यादा टैलीफोनिकली एक बार प्रिपेयर कराने तो बाद ज़्यादा प्रेफरेंस देने भी तुम वॉक इन करो, आके मिलो, मल्टीपल राउंड्स असं करावे, डिफरेंट डिफरेंट लोग साढ़े को पूरी टीम है जी थोड़ी इंटरव्यू प्रेपरेशन थोड़ी हेल्प करेगी कि तुम कल फंबल ना हो जाओ, कल उत्ते कॉन्फिडेंट रहो, एंड थोड़े ना असं लास्ट स्टैप तक इन टच रहोंगे, थोड़ा कोई भी डाउट होंगे तो सर क्लीयर कर सकते हो, एंड अपरूवल लैके साढ़े को आ सकते जी. सो जो बच्चे आते हैं असं गल करते रहने उन्होंने बाइट्स रिकॉर्ड हो गई हैं, कुछ तो आस्ट्रेलिया कैनेडा या बाकी वीज़ाज आए US वाली, तो साढ़े को अज ही बच्चे आए थे, कल भी आए कुछ, फ्राइडे भी रिकॉर्ड करा के गए थे जी साडा वीज़ा आया, सानू लोगों को दसो साडी प्रोफाइल कहो जी सी, कल हूँ भी लेटेस्ट जो वीज़ाज आए अभी भी बाइट्स काफी सारे जी. ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा के बिल्कुल लेटेस्ट अपरूवल्स आए ने स्टूडेंट एंड टूरिस्ट वीज़ा के भी, सो तुम सारिया बाइट्स चैक कर सकते हो. उन्होंने प्रोफाइल्स कोई बहुत ज़्यादा जिन्होंने कह दें ग्रूम्ड प्रोफाइल्स, लेटेस्ट पास आउट नहीं सके, कोई बहुत वधिया स्कोर नहीं सीगा, गल ये भी जिहड़ी थोड़ी प्रोफाइल नाल रेलेवेंट कोर्स एंड जिहड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ का रैपो वधिया चल रहा है, उन्होंने वीज़ा सक्सैस रेशो वधिया चल रहा है, प्रायोरिटी उन्होंने दिने. बाकी हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी चॉइस होंगी है, कई की फीस स्ट्रक्चर लैके, कई की लोकेशन लैके, सो असी कोशिश करते हैं कि सारिया चीज़ों का ध्यान रखा जाए, पर सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है थोड़ा वीज़ा आना, सो उन्होंने असी सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंस दें. सो कुछ बच्चे ने जी अपना तजर्बा फ्यूचर विंग जो एक्सपीरियंस रहा उन्होंने उस सर्विसिज लिए कहो जो रहा थोड़े शेयर करेंगे, उस तो बाद अभी गल करेंगे जी 5.5 स्पॉस केस पे आफ्टर वीज़ा कैनेडा रिफ्यूजल्स के नाल डेलीगेशन जो जा रहा या इनवैसटमेंट जी है कैनेडा के करके PR ले सकते हो बारे अभी जानकारी लेवे जी. सत श्रीकाल जी, मेरा नाम है करमनजोत, तो मैं राजपुरा तो बिलोंग करती हाँ, तो मैं अपनी स्कूलिंग उतों ही की, मेरे CBSE बोर्ड के 93% से, फिर मैं पटियाले तो कोचिंग लेके IELTS की, तो मेरे ओवरऑल 7.5 बैट्स आए. मैं अपने रिलेटिवस तो फ्यूचर विंग्स बारे पता लग गया, तो मैं उन्होंने विजिट किया, मैं उन्होंने सर्विसिज बहुत वधिया लगियाँ, तो मैं अपना फाइलिंग का प्रोसैस स्टार्ट किया, तो मेरा फाइलिंग का प्रोसैस बहुत स्मूथली चलिया उरे, तो मेरा अराउंड 4 मंथ्स मेरा कैनेडा स्टडी वीज़ा अपरूव हो गया, तो मैं होरां नूं भी सुजैसट करदी हां कि वह फ्यूचर विंग्स तो अपनी फाइल लवाण ताकि उन्होंने रिजल्ट्स पॉजिटिव आन. माय नेम इज़ मन्नत कौर, आई एम फ्रॉम अंबाला सिटी. मेरा 14 मार्च में मैंने वीज़ा रिसीव होया, मैं अपने ब्रदर की रिकमेंडेशन नाल फ्यूचर विंग को आई सी, तो सर ने मैनू बिल्कुल वधिया गाइडेंस दिती, तो मैं सब नू रिकमेंड करती हाँ कि इतने जरूर आन, तो मेरा कॉलेज मेरा फ्लैमिंग है एंड इनटेक मेरा सितंबर है. थैंक यू एवरीवन. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनदीप कौर, आई एम फ्रॉम अंबाला, तो मैं अपनी प्लस टू 2020 कंप्लीट की इन आर्ट स्ट्रीम विद 92%, एंड मैं अपनी 2021 मैं अपनी IELTS परस्यू की, एंड वो मेरे 6.5 बैंड है ओवरऑल बैंड स्कोर, एंड आफ्टर दैट किसी की रेफरेंस से मैं फ्यूचर विंग्स विजिट किया, एंड दैन आई लॉन्च माई फाइल, एंड आफ्टर दैट हेयर आई गॉट माई वीज़ा, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विसिज, एंड जदों भी मतलब मैं इन्हों की हेल्प की जरूरत पई आ, दे आर अवेलेबल, और मेरी बन्नी सर ने और इन्हों के स्टाफ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, सो इफ एनी वन वॉन्ट टू गो अब्रॉड, they want to make their dream true, so they will visit because ethe diyan services bahut vadiya and I am very satisfied with that. Thank you very much. Mera naam Divan Singh hai aur main Haryana Yamunanagar ka rehne wala hu, aur maine IELTS mein 6 inch band the aur uske maine 12th ki thi, uske baad ITI ki thi electrician trade se, aur uske baad main jitne bhi agent ke paas gaya file lagane ke liye to sabne yahi suggest kiya ki ITI ke baad visa ke bahut kam chances hai, बट उसके बाद मैंने लाइव शो देखा देश प्रदेश लाइव टीवी पर और बनी सर से कांटेक्ट किया,
फीचर विंग्स की टीम ने मेरा बहुत साथ दिया और उसके बाद फाइनली आज मेरा वीज़ा आ गया। और मैं सभी को यही रिकमेंड करूँगा कि आप सभी एक बार फीचर विंग्स के पास जरूर आएँ और अपना वीज़ा लगवाएँ। थैंक यू जी। सत श्री अकाल जी, मैं सरदार पूर्ण सिंह संधू पात्रा तो जी, ज़िला पटियाला जी। तो मैं अभी फैल अपलाई की सी फ्यूचर विंग तो, मेरे बेटे की पहला फैल इतों ही फ्यूचर विंग तो हुई सी, बेटी की भी तो होर भी कई वीजे असं इतों लवा चुके हैं, जिस करके मैं बनी सर चंगी तरह परिवारक रिलेशन करके इतों ही असं अपलाई करते हैं, जो भी वीजे होंगे तो वधिया वीजे आ रहे हैं, वधिया सुचजे ढंग सू डील करते हैं। तो मेरा 6 तरीक न वीजा आ गया सी, यानी कि 6 दिन वीजा आ चुका है अपलाई करने तो बाद। तो मेरे नाल मेरे मिसेज बैठे ने दलजीत कौर, इन्हों का भी मेरे नाल ही अपलाई होया सी दोनों का, तो साडा वीजा आ गया। तो मैं अर्ज करदा भी इतों ही फ्यूचर विंग तो ही तुम जिन्हें भी भैन भरा ने लवाना है तो वीजा तो बनी सर मान के मिलो, तो सुचजे ढंग सारी टीम फ्यूचर विंग की बड़े सुचजे ढंग अपन डील करते हैं। सो बच्चों मुबारक जी जिन्हों का वीज़ा आया, जिन्होंने अपना इच्छा प्रगट की कि टीवी पर आके असी भी दसीए, बाकी जिहड़ियां दर्शक ने उन्होंने दसीए कि किवें किवें सर्विस जी है मिलती हैगी। सो सारा मुबारक है जी, तुहाडी टीम नूं मुबारक है। आप गल तो रही है जी हुण अगे आस्ट्रेलिया स्पॉस जां सिंगल 5.5 बैंड और वीक की पास आउट और खास तौर पर वी एक्सैप्ट हो रहा जा 21 है सर। ज़्यादातर असं ज़्यादा प्रैफरेंस 2021 दे रहे हैं, टू बी वेरी क्लीयर। 2022 वाले बच्चे जो तुम अपनी प्रोफाइल बारे सानू चंगी तरह इलैबोरेट करोगे, थोड़ा गैप क्यों आ दसोंगे, फिर असं थोड़ा फरदर गाइड करांगे कि थोड़े लिए की बैटर ऑप्शन आ सकते हैं। मैं कहना चाहनी हूँ वो बच्चों जो 2021 पास आउट ओवरऑल 6 स्कोर कर चुके हैं, 21-2 5.5 आ थोड़ा सारे मना कर रहे हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहे, तुम सूँ आके कॉन्टैक्ट करो, सूँ आस्ट्रेलिया बहुत वधिया यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस दा ऑप्शन दवांगे जिहदे नाल तुसी अपना आस्ट्रेलिया जाण दा जिहड़ा ड्रीम सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल जी। बिल्कुल जी, आस्ट्रेलिया बहुत स्लो हो गया सी सर लेटली, बट हुण रीसेंटली आस्ट्रेलिया दे लेटेस्ट वीजा अप्रूव होने स्टार्ट हो गए ने, सारा कुछ बहुत ही वधिया चल रहा है। सो आस्ट्रेलिया एक वधिया ऑप्शन हुण तुहाडे लई हो सकदा है जी। आस्ट्रेलिया दे विच हुण किहड़ा इनटेक है? ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੈਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਾਲਜਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਟਸ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲਾ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 21 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਓਪਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਪਟੰਬਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਰੋਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੈਨਨ ਟੇਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PNP RNAP ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, RNIP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰੂਲਰ ਐਂਡ ਨਾਰਦਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਿਟੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ PR ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4.5 score 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ PR ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ PR ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਿਦਇਨ ਫਿਊ 5 working days ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਬਟ ਅਸੀਂ 7th or 8th August ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸਿਸ ਨਾ ਲੈ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਫੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਡ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 August ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਮਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ RNAP ਦੀ, PNP ਦੀ, +2 5.5 band ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਦੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਸਕਿੱਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਇਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਲਾਸਟ ਅਲਾਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।